बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट जो इस क्वार्टर के इशू हुए हैं वो डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक पहुंचे, और वीडियो के एंड पे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इस कंपनी में शॉर्टर टर्म के लिए या लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कैसी हो सकती है आप लोगों के लिए, और ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जो आप हर कंपनी पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे काइंडली ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है, और इस पर आप लोगों के सामने शो हो रहा है कि 18 रुपए का ऑलमोस्ट इसका शेयर इस टाइम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फ्लोट कर रहा है FFBL का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस कंपनी में, जिस टाइम हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसके डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कंपनी लॉन्गर टर्म के लिए कैसी हो सकती है, कैसे इसके फंडामेंटल्स शो हो रहे हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं, जैसा कि आप लोगों के सामने इसकी कंपनी प्रोफाइल आ रही है, कंपनी के सीईओ का नाम लिखा हुआ है, चेयरमैन, कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह से काफी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां से मिलेगी। फिर उसके बाद जो इक्विटी प्रोफाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी 35% शेयर फ्री फ्लोट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और फिर उसके बाद देखते हैं जी अनाउंसमेंट्स से रिलेटेड मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि जो अनाउंसमेंट्स कंपनीज की आ रही होती हैं वो हमेशा आप लोग जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाजमी देखा कीजिए, जिस कंपनी में आप लोग इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उससे रिलेटेड अगर आप लोग अनाउंसमेंट्स देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइमली मिलेगी कंपनी से रिलेटेड। फिर उसके बाद देखते हैं जी कंपनी के फाइनेंशियल किस तरह के, जो ब्रीफ्स है एक आप लोगों के सामने एक पिक्चर आ रही है फाइनेंशियल की, वो आगे चल के जो इस क्वार्टर के आए हैं उसमें मैं काफी चीजें इंशाल्लाह कोशिश करूंगा डिस्कस करने की, लेकिन ब्रीफ से देख लेते हैं। इसमें 2018 और 2019 का कंपैरिजन अगर किया जाए तो सेल्स में इंक्रीज आया है, फिर उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन वो लॉस में चली गई है 2019 में FFBL, और EPS में भी डिक्रीज आया और बहुत बड़ा डिक्रीज आया 2019 के साल में। इट्स मीन के कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा बुरे हुए हैं, कंपनी के एक्सपेंसिस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसिस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आगे चल के देखते हैं कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं। तो 2018 और 19 की जो रेशियोज आप लोगों के सामने आ रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होती हैं। मैं आप लोगों को दोबारा मैं इंफोसाइज करूंगा कि अगर आप लोग किसी भी कंपनी में लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी जो रेशियोज है इन्वेस्टर्स रेशियो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने की कोशिश करूं ताकि आप लोग लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके कंपनी से डिविडेंड्स भी हासिल कर सकें। तो अगर कंपेरिजन देखा जाए तो कंपनी की कुछ सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं लग रही है एज कम्पेयर टू 2018 के। 2018 में अगर देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज थी एज कम्पेयर टू सेल्स के, तो वो 2018 में 13% थी ऑलमोस्ट, और 2019 में ये 8% तक चली गई थी। फिर इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इसका खराब हुआ है। फिर उसके बाद EPS ग्रोथ की जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हुई है, बहुत बड़ी अमाउंट इसकी डिक्रीज हुई है। इसी तरह इसके फाइनेंशियल जो रेशियोज आप लोगों के सामने शो हो रही है, जो ब्रीफ है वो इतनी अच्छी नहीं आप लोगों के सामने हो रही। अभी जो आप लोगों के साथ रिपोर्ट डिस्कस करूंगा वो अनाउंसमेंट्स में आप लोगों के सामने आ रही है। 24 जुलाई को इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स इशू किए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं जल्दी से आप लोगों को एक न्यूज की तरफ लेके चलता हूं जो पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, जो फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड थी, कि जून 2020 में जो सेल्स इंक्रीज हुई है, जो डिमांड इंक्रीज हुई है यूरिया की, वो 81% इंक्रीज आया उसमें एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स के। तो बहुत बड़ा इंक्रीज आया, इट्स मीन के जो यूरिया की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और कंपनीज जो इस फर्टिलाइजर सेक्टर में आ रही हैं तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में उनके फंडामेंटल्स काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ये न्यूज मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, आप लोग मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैंने ये पूरी ये जो आर्टिकल था आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। फिर उसके बाद मैं जल्दी से आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिजल्ट इशू है उसको ब्रीफ से देखते हैं कि लॉन्गर टर्म के लिए अच्छी कंपनी है या अच्छी कंपनी नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एंड पे चल के मैं investing.com पे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि ये शॉर्टर टर्म के लिए कैसी कंपनी है, इसमें आप शॉर्टर टर्म के लिए इसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जून 30th को जो क्वार्टर एंड हुआ था उसके रिजल्ट्स आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। मैंने यही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट से ये PDF की फाइल ओपन की है, इसका लिंक भी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों के सामने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो गोइंग कंसर्न के इश्यूज बताता हूं आप लोगों के कि कंपनी साल या साल से ज्यादा सर्वाइव कर सकती है, उसके
इंडिकेटर्स होते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देखना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। पिछली वीडियोस जिस तरह से मैंने एटलस होंडा की आप लोगों को बताया था, फिर उससे पहले हैस्कोल के रिलेटेड बताया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप लोग वो चीजें भी समझें और उसको किसी भी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो चीजें मैं इसमें बताऊंगा वो आप किसी भी कंपनी में इंप्लीमेंट करके लॉन्गर टर्म के लिए असेस कर सकते हैं कि ये कंपनी वायबल है या नहीं है लॉन्गर टर्म के लिए। तो अगर देखा जाए तो कंपनी के जो कैपिटल एंड रिजर्व्स अगर आप लोग देखेंगे, अगर इसका कंपैरिजन किया जाए दिसंबर 2019 के साथ, जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत बड़ा डिक्रीज आया शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स में, क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉसेस इसके बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अगर आप लोगों को ये शो हो रहा है, नजर आ रहा है, तो पिछली दफा 2 बिलियन के इसके लॉसेस थे दिसंबर 2019 तक, फिर ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं लास्ट 6 मंथ्स में, वो 6 बिलियन तक चले गए, ऑलमोस्ट 6-7 बिलियन तक चले गए, तो बहुत बड़ा इंक्रीज आया इसकी लॉसेस में। तो सर्वाइवल इसका मुझे थोड़ा बहुत यहां से इंडिकेट कर रहा है कि इसका लॉन्गर टर्म के लिए सर्वाइवल काफी मुश्किल होता जा रहा है। अगर ये सर्वाइव कर भी सकती है, कर भी लेती है, तो बहुत मुश्किल होगा इसके लिए कि वो रिटेन कर सके अपनी सेल्स को, क्योंकि एक्सपेंड करना इसके लिए मुश्किल होगा, इसके लिए ग्रोथ करना बहुत मुश्किल होगा। आगे चल के मजीद चीजें देखते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को गेयरिंग रेशियो के बारे में बताता हूं, गेयरिंग रेशियो होती है डेट टू इक्विटी की रेशियो होती है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं 2 बिलियन के हैं, और जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं वो 14 बिलियन की शो हो रही है। मैंने कैलकुलेट किया इसको, आप लोग देख सकते हैं कि जो इस कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज हैं इसकी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व से 5 टाइम्स ऑलमोस्ट ज्यादा है। इट्स मीन कि कंपनी की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं लग रही, कंपनी गोइंग कंसर्न के इश्यूज फेस कर सकता है, क्योंकि जो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड के जो कर्जे हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जो इसके कर्जे हैं वो 5 टाइम्स ज्यादा है इसके शेयर कैपिटल एंड रिजर्व से, तो बहुत मुश्किल होगा इसके लिए लॉन्गर टर्म के लिए सर्वाइव करना। अगर ये सर्वाइव कर भी जाती है, मैं अगेन आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर ये सर्वाइव कर सकती है या कर लेती है फ्यूचर में, तो इसके लिए मुश्किल होगा कि ग्रोथ कर सके, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके, अपने मार्केटिंग एक्सपेंसिस को बढ़ा सके, तो इसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है अगले 1-2 साल अनटिल अनलेस कोई इस तरह की ये डेवलपमेंट नहीं लेते या इनकी सेल्स काफी इंक्रीज नहीं होती, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज दिखाई है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए इसकी, मैं जल्दी से आप लोगों को ब्रीफ सी इसकी प्रॉफिट और लॉस दिखा देता हूं कि प्रॉफिट और लॉस क्या आप लोगों के सामने शो हो रही है। इसमें 2019 का इसी क्वार्टर का डाटा भी आप लोगों के सामने शो हो रहा है, जो बोल्ड लेटर्स में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है वो इस क्वार्टर का है, जून 30th पे जो एंड हुआ है। इसकी अगर सेल्स का कंपैरिजन किया जाए तो सेल्स में डिक्रीज है, ऑलमोस्ट 2 बिलियन का डिक्रीज है इसकी सेल्स इस क्वार्टर में, काफी ज्यादा डिक्रीज गई है। फिर इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स देखी जाए तो वो डिक्रीज हुई है इस क्वार्टर में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट्स जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस जो क्वार्टर था इस पिछले साल का। तो फिर इसी तरह बाकी चीजें भी अगर आप लोग देखेंगे, इसके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। फाइनेंस कॉस्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो कंपनी जो भी लोन ले रही होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने COVID-19 के जो सिचुएशन के दौरान जो मेजरमेंट्स लिए थे उसमें सबसे बड़ा जो स्टेप लिया गया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए थे। अब आप लोगों के सामने ये जो फाइनेंस कॉस्ट इसकी डिक्रीज हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट्स कम किए थे, जो ये इन्होंने मार्कअप कम किया था, तो कंपनीज की फाइनेंस कॉस्ट काफी कम हो गई थी। उन्होंने कंपनीज को काफी ज्यादा फैसिलिटेट किया था कि उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो ताकि वो सर्वाइवल लॉन्गर टर्म के लिए कर सकें। फिर उसके बाद अगर मजीद देखा जाए तो लॉस पर शेयर इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इसका जो लॉस पर शेयर था 0.09 था, लेकिन अगर इस क्वार्टर में देखा जाए तो इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो 1.24 तक पहुंच चुका है, तो बहुत बड़ा इंक्रीज है, ऑलमोस्ट 10-12 टाइम्स इसका इंक्रीज हुआ है लॉस पर शेयर। तो कंपनी की सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल लग रही है। मैं अगर कोई भी लॉन्गर टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए मुश्किल होगा कि वो डिविडेंड्स अर्न कर सके इस कंपनी से, क्योंकि कंपनी ने इस दफा फिर डिविडेंड कैश डिविडेंड भी नहीं दिया, बोनस इशू भी नहीं किए, राइट इशूज भी नहीं किए, तो देखा जाए तो कंपनी की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं लग रही लॉन्गर टर्म के लिए। अगर आप लोग लॉन्गर टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट्स अर्न करने या डिविडेंड अर्न करने में काफी मुश्किल हो सकती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्गर टर्म के लिए फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम को मत देखिए। फिर उसके बाद अगर investing.com की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, मैं हमेशा आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूं कि आप लोग इस वेबसाइट को देखा कीजिए ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरह से टेक्निकल इंडिकेटर्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है,
तो ये वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड की मैंने ये डिटेल ओपन की है investing.com पे। तो इसका भी लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग भी इसको ओपन कीजिए, आप लोग भी इसको स्टडी कीजिए, ताकि आप लोगों को भी जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस या फाइनेंशियल एनालिसिस तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता उन लोगों के लिए एक ये टिप समझ लें आप लोग के investing.com पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका सारा टेक्निकल एनालिसिस आ रहा होता है, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स शो हो रहे होते हैं आप लोगों को ब्रीफली वो बता देते हैं कि इसका बाइंग का टाइम है या सेलिंग का टाइम है। अब अगर आप लोग इसके शॉर्टर टर्म के लिए देखें तो 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के लिए और डेली वाइज इसके जो इंडिकेटर्स शो करें वो मोस्टली ये शो करें हैं कि ये बाय किया जाए ये शेयर। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्टर टर्म के लिए फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड आप लोगों को प्रॉफिट्स दे सकता है। इससे रिलेटेड इस सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज आई हुई है कि 81% जो सेल्स इंक्रीज हुई है जून के मंथ में वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है इसको, लेकिन मंथली का अगर आप लोग डाटा देखेंगे तो वो सेल स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल आ रहा है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि लॉन्गर टर्म के लिए फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम आप लोगों को प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा कम दे सकता है, आप लोगों के लिए अच्छी कंपनी नहीं है अगर आप लोग लॉन्गर टर्म के लिए इस कंपनी को देख रहे हैं। लेकिन शॉर्टर टर्म के लिए अगर आप लोगों ने प्रॉफिट्स कमाने हैं 10 दिनों तक 15 दिनों तक या एक डे ट्रेडिंग करनी है इसमें तो आप लोग प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं इस कंपनी में। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को मेरी जितनी भी कोशिश होती है कि आप लोगों को फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड बताऊं, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स से रिलेटेड बताऊं, तो आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज लाजमी देंगे। तो मैं इसी तरह जितनी भी कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं आने वाले दिनों में वो भी डिस्कस करूंगा, जिस कंपनी के आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड। तो आज की वीडियो इतनी, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।